वो तो इतना सा कह दें, यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो ACR लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी ACR नहीं लिख रहे हैं, यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा होता, तो इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब भी कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है तो प्रेस नोट जारी करें लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं ACR लिखता हूं, वो जारी करें प्रेस में। तो फालतू की बात तो मेरे सब काम हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं, राजस्थान की पूरी जनता के काम हो रहे हैं, काम मेरे रुक रहे हैं क्या। मैं तो महेश जी के पास नहीं जा रहा कि साहब ऐसा मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि ACR वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए, मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। तो ये जो अधिकार ACR का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया CM को अच्छी बात के लिए, कोई गुनाह नहीं है? बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मैं यदि मेरे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो मैं दूसरों के अधिकार दिलवाऊंगा? तो ये सीधी बात बताएं, महेश जोशी जी मेरे से 15-16-17 साल बड़े हैं उम्र में, वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या ACR बस, वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो ACR बस, हाँ या ना में बोले, लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं ACR लिखता हूं।